एशिया कप 2023 भारत ने पाकिस्तान को दिया 267 रनों का टारगेट। शाहीन अफरीदी ने झटके 4 विकेट। बारिश के कारण दूसरी पारी शुरू होने में देरी। जानिए कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला और हुआ तो कितने ओवर का होगा मैच और पाकिस्तान को कितने रनों का मिलेगा टारगेट। तो क्या पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो अंत तक और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत ने एशिया कप के तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रनों का टारगेट दिया है। कैंडी के पहले के लिए स्टेडियम में बारिश के कारण दूसरी पारी शुरू होने में देरी हो रही है। पूरे पिच को कवर से ढक दिया गया है। पहली पारी 7:44 पर खत्म हुई थी। इस हिसाब से 8:14 पर मैच शुरू हो जाना था, लेकिन बारिश के कारण दूसरी पारी शुरू नहीं हो सकी है। मैच का कट ऑफ टाइम 10:30 तय किया गया है। बारिश के कारण अगर ओवर कम हुए तो पाकिस्तान का नया टारगेट इस तरह से होगा। 45 ओवर का खेल हुआ तो टारगेट 254 रनों का रहेगा। 40 ओवर का खेल हुआ तो टारगेट 239 रनों का रहेगा। 30 ओवर का खेल रहा तो टारगेट 203 रनों का रहेगा। और अगर मुकाबला 20 ओवर का कराया जाता है तो टारगेट 155 रनों का मिलेगा। आपको बता दें कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 266 रन बनाई और पूरी टीम ओवर आउट हो गई। उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने 27 रन और ईशान किशन ने 82 रनों की पारी खेली। सो दोस्तों, आपके अनुसार अगर मुकाबला हुआ तो कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।